दक्षिण दिल्ली के नेपसराय इलाके में कुछ दिनों पहले हुई हत्या की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने वारदात वाले स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले मृतक के पिता ने 4 दूसरे लोगों पर बेटे की किडनैपिंग का आरोप लगाया था। जंगल में एक अनआइडेंटिफाइड युवक की लाश मिली और इंक्वायरी करने पर उस युवक की शिनाख्त दीपक नामक युवक हुई, जिसकी उम्र 21 साल थी, जो कि 2 तारीख और 3 तारीख के बीच की मध्य की जो रात थी, तब से मिसिंग था। उसके बारे में फैमिली ने जब 3 तारीख को पुलिस को बताया तो एक मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई और 5 तारीख में फैमिली ने जब शक जाहिर किया इसकी आइडेंटिफिकेशन होने से पहले कि शायद हो सकता है कि उनके बच्चे को किसी ने किडनैप किया हो, और उन्होंने कुछ लोगों का इस बारे में नाम भी बताया, तो इसमें एक किडनैपिंग का पर्चा भी दर्ज किया गया। पुलिस की माने तो 4 अप्रैल को एक शख्स दीपक के गुम होने की सूचना मिली थी। दीपक के पिता ने दीपक के 4 दोस्तों पर किडनैपिंग का आरोप लगाया था। पुलिस को छानबीन के दौरान एक डेड बॉडी संगम विहार नाले के पास मिली, जिसकी पहचान दीपक के रूप में हुई। पोस्टमार्टम में पता चला कि सर पर चोट और गले को दबाया गया था। मृतक के पिता द्वारा नामजद किए गए संदिग्ध 4 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन पुलिस को शुरुआती जांच में इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं मिला, जिसके बाद इलाके की सीसीटीवी फुटेज की मदद ली गई। फुटेज के बाद ही मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से अब हत्या का कारण जानने में जुटी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।